हेलो फ्रेंड्स, देखो लास्ट वीडियो हमने बात की थी होम पेज और ब्लॉग का पेज या पोस्ट का पेज कैसे सेटअप करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। अब जो ये वीडियो है हमारी थीम की कस्टमाइजेशन के ऊपर है कि थीम कस्टमाइज कैसे करते हैं, थीम की सेटिंग कैसे करते हैं। आप जब भी कोई थीम देते हैं बाय डिफॉल्ट वहाँ पे आपको कुछ नहीं आता, नॉर्मल स्टेप से आपको सब कुछ लगा लगा आता है, ठीक है। अगर आपको आप उसको अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे कि कलर चेंज करना चाहते हैं, जो अब यहाँ पे मेन्यू का बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, आपको इसका कलर चेंज करना है, यहाँ पर लोगो लगाना है, या आपको यहाँ पे इस एरिया में कोई बैनर लगाना है, स्लाइडर लगाना है, तो सारा पार्ट आता है थीम की सेटिंग के अंदर, ठीक है। अब थीम सेटिंग करने का तरीका क्या है, देखो पहला तरीका तो ये है कि आप अपने अपीयरेंस में जाए और कस्टमाइज में जाके क्लिक कर दे, आपकी थीम की सेटिंग का पार्ट ओपन हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप जब आपने डैशबोर्ड ओपन किया होता है तो आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड ऐसा दिखाई देता है, यानी कि जो आपको देख रहे हैं ऊपर ऑप्शन सी सामने आपके सामने आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके ही थीम की सेटिंग कर सकते हैं। देखिए आप ये ओपन हो गया, ये और ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम पार्ट है, ठीक है। इसको बैक कर देता हूँ मैं यहाँ से चेक करने के लिए, और हम जाते हैं अब इसी एरिया में, यहाँ से हम थीम की सेटिंग समझते हैं कैसे होती है। देखो सबसे पहले आपका पार्ट और जनरल का पार्ट होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, आपको इसको छेड़ना नहीं होता, या आपकी थीम की पैटिंग का सिस्टम बना रखा है तो आपको उसको टच नहीं करना है। सेकंड पार्ट है साइट का टाइटल, टैगलाइन और लोगो, यहाँ से आप साइट का टाइटल, टैगलाइन और लोगो यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और साथ में साइट आइकन, ये आप देख रहे हैं साइट में ये साइट आइकन है, आप यहाँ से अपना साइट का आइकन चेंज कर सकते हैं। थर्ड है हेडर एरिया, आप यहाँ के यहाँ जाके अपनी थीम के जो हेडर टाइप है, आपको हेडर में क्या चाहिए, इमेज चाहिए, वीडियो चाहिए, स्लाइडर चाहिए या कुछ भी चाहिए, वो आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं जाके। इसके अंदर ही आपका पार्ट है, अगर आपको हेडर स्लाइडर चाहिए तो उसकी इमेजेस आपको यहाँ आप इसमें आकर डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको स्लाइडर नहीं चाहिए, आपको खाली सिंगल इमेज चाहिए, तो आप यहाँ पे आके अपनी इमेज सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगला पार्ट है हमारा मेन्यू स्टाइल, आपको मेन्यू स्टैटिक चाहिए, स्टैटिक कैनलाइन चाहिए, इसके बारे में सेटिंग समझने के बाद में जाके अभी, तो आप मेन्यू की स्टाइल यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। अगला एरिया आपका आता है ब्लॉग ऑप्शंस, ब्लॉग में ऑप्शंस करने के लिए सेटिंग यहाँ से होती है, बट अभी हम क्योंकि इस वीडियो में इस पार्ट में ब्लॉग पे काम नहीं करने वाले, तो हम इस ऑप्शन में भी काम नहीं करेंगे, जब ब्लॉग वाला पार्ट करेंगे स्पेशली तब जाके इस सेटिंग हम चेक करेंगे। अगला पार्ट है हमारा फॉन्ट्स, अगर आपको फॉन्ट चेंज करने हैं, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है लैटिन और रेलवे, आपको अपने हिसाब से फॉन्ट डालने हैं तो आप इसमें अपने हिसाब से फॉन्ट टाइप करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके नीचे आ रहे इस टाइप से, तो ये बाय डिफॉल्ट इसको हम चेक नहीं करेंगे, सेट नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। फुटर, फुटर क्या होता है कि आपका जो फुटर होता है वहां पर आपने देखा होगा तीन चार सेक्शन होते हैं, जहाँ पे आपका लोगो लगा होता है, वेबसाइट के पेजेस शो होते हैं, इमेजेस शो होती हैं, और इसके अलावा एड्रेस शो होता है, तो वहाँ पे जो होते हैं सेक्शंस के अंदर कॉलम्स होते हैं, आपको वहाँ पे कितने कॉलम चाहिए, 1 2 3 4, ये आप यहाँ जाके सेटिंग कर सकते हैं। बट हम फुटर में इस वीडियो में काम नहीं करेंगे, क्योंकि फुटर के लिए हम रेडीमेड थीम पे काम करेंगे, जहाँ पे आपको इससे बेटर बने बनाए फुटर्स मिल जाते हैं। अगला पार्ट है कलर्स का, इसमें आपके जनरल कलर्स, हेडर कलर, साइड बार कलर और फुटर कलर, ये आप इसमें जाके कलर की सेटिंग करके कलर अपने चेंज कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये कलर वाला पार्ट कब हो गया, आगे चलते हैं बैकग्राउंड इमेज, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी है तो आप यहाँ से जाके लगा सकते हैं। उसके बाद मेन्यू के अंदर क्या है कि अगर आपको मेन्यू का स्टाइल चेंज करना है, नया मेन्यू बनाना है, आप यहाँ से कर सकते हैं, बट मेन्यू बनाने के लिए हम नहीं जाएंगे अपीयरेंस के अंदर, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगला है विजिट्स, विजिट्स के लिए हम सेटिंग वहीं से जाके करेंगे, यहाँ से हम विजिट नहीं छेड़ेंगे। और होम पे सेटिंग हम वहाँ कर चुके हैं, पहले सेटिंग बाय डिफॉल्ट थी लेटेस्ट पोस्ट की, बट हमने सेटिंग करके होम पे और पोस्ट पे सेटिंग कर दी थी, इसको भी यहाँ से नहीं छेड़ना है, ठीक है। थीम इन्फो के बारे में आपको बताएगा, तो ये आपके मतलब का नहीं, क्योंकि आप फ्री थीम यूज कर रहे हैं, और सीएसएस भी आप यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आप फ्री थीम यूज कर रहे हैं, और आपको इसके बारे में कोडिंग पे जाना होगा, कोडिंग आपको अगर आती है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये सिडनी को कहते हैं कि प्रो बाय करना तो आप बाय कर सकते हैं, बट अभी फ्री थीम पे ही काम करेंगे, ओके। तो हम चलते हैं एक एक ऑप्शन के ऊपर, उस पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं किस ऑप्शन में क्या क्या चीज हम चेंज कर सकते हैं। तो पहले जनरल है, इसके अंदर हमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी है, बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, इसको छोड़ दीजिए। सेकंड पार्ट है साइट का टाइटल, टैगलाइन, लोगो। तो वो साइट का जो टाइटल है हमने पहले चेंज किया था, आपको याद होगा, सेटिंग में जाके मैं दिखाता हूँ आपको, सेटिंग में गए थे हम लोग डैशबोर्ड में, सेटिंग में जाके आप गए थे जनरल में,
और यहाँ पे आपने साइट का जो बाय डिफॉल्ट था उसको चेंज करके आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर दिया था। तो आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं और आप इसको यहाँ से भी, आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आपको जो भी टाइप करना हो आप इसके अंदर इजीली टाइप कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके करने के, या तो यहाँ से कर लीजिए या फिर आप कर लीजिए सेटिंग में जाके जनरल में। सेकंड आता है अपलोड योर लोगो। अब देखो, अगर आपको लोगो लगाना है तो आपका ये हट जाएगा, तो और आपको यही रखना है तो कोई इशू नहीं है। तो लोगो लगा के देखते हैं एक बार। सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, कुछ मैंने इमेज यहाँ से बाहर से उठाई थी, मैं आपको दिखा दूँ मैंने कैसे उठाई थी। इसके अंदर अपलोड फाइल पे गए, सेलेक्ट फाइल, डेस्कटॉप पे मेरी कुछ इमेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जैसे कि मैंने ये यहाँ से इमेजेस भी यहाँ से चूज की थी। अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ इमेजेस और ले लेता हूँ बैनर्स के लिए। ये ले लेते हैं, ये और ये। ठीक है, ये सारी मेरी वैसे उठाता हूँ, ओपन करता हूँ और ये सारी देखो इमेजेस मेरी यहाँ पे आ गई। ये तरीका है मीडिया को उसमें एंट्री कराने का, मीडिया को उसमें अपलोड करने का। क्या हुआ, आपकी इमेजेस आ गई। अब हमें क्या करना है, इसमें से आपको क्या लेना है, लोगो लगा, एक उसमें लोगो लगाना है। तो उस पर क्लिक करते हैं लोगो पे और चूज इमेज करते हैं। देखिए यहाँ पे लोगो आ गया और ये लोगो आपके यहाँ पे चेंज हो गया। अभी लोगो का बैकग्राउंड इसमें अवेलेबल है तो आपको इस टाइप से लोगो दिखाई दे रहा है। जब आप इसमें पीएनजी लोगो लगाएंगे, देखिए दो तरह की इमेज होती है, एक होती है जेपीजी इमेज और एक होती है पीएनजी इमेज। जेपीजी इमेज के अंदर बैकग्राउंड होता है और पीएनजी इमेज के बैकग्राउंड नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये जो इमेज अवेलेबल है वो वाली इमेज अवेलेबल है, तो फिलहाल मैं इसको लगा देता हूँ। और ये लग गया आपका लोगो। अगर आपको लोगो लगाना है तो आप लगा सकते हैं। अगर आपको लोगो की जगह टाइटल और नीचे की टैगलाइन, तो आप यहाँ से जाके रिमूव करके लोगो रिमूव भी कर सकते हैं। क्लियर है, सेलेक्ट इमेज, इमेज पे क्लिक करा, चूज इमेज करा, ये आपका यहाँ पे आ गया लोगो। अगर आपको चेंज करना है तो चेंज पे क्लिक करेंगे। मैं ये लगाता हूँ, अगर सपोज कर इसको लगाना चाहता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और मैं चूज इमेज करता हूँ, ये मेरा लोगो यहाँ से चेंज हो गया। लोगो नहीं रखना तो रिमूव कर देंगे, ये आपका लोगो यहाँ से हट गया और आपका ये पार्ट यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, अगला पार्ट है साइट आइकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बोलते हैं फेविकोन भी बोलते हैं, साइट आइकन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इसका क्या पार्ट होता है, क्या इसका रूल होता है, आप ये देख रहे हैं ऊपर वेबसाइट जैसी कोई ओपन होती है यहाँ पे आपको लोगो शो होता है। मैं आपको अपनी वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ, ई क्रिएटर, सॉरी कोर्स्ट वाली खोलता हूँ, कोर्स्ट.ecreator.in। जैसे मैं साइट खोलूंगा, देखिए यहाँ पर क्या लगा रहा है, मेरी साइट का आइकन लगा हुआ है, यहाँ पे आइकन शो हो रहा है। आप गूगल खोलते हैं, जीमेल खोलते हैं, तो वहां भी आपको साइट का आइकन शो होता है, इसको बोलते हैं साइट आइकन या बोलते हैं फेविकोन। इसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट साइट आइकन। अब आपको जो भी अपनी साइट का आइकन रखना है आप अपना बना लीजिए, रेडी कर लीजिए और सेलेक्ट करके इसमें अपलोड कर दीजिए। अभी मेरे पास फिलहाल मैं इसी को लगा के लेता हूँ, इसको क्लिक करा, या येलो ले लेते हैं, इसको क्लिक करा और सेलेक्ट, और इसको मैं क्लिक करके ये आ गया, यहाँ पे शो हो गया इस टाइप से। इसको मैं पब्लिश करता हूँ, पब्लिश करूंगा तो ही सारा काम सेव होगा, अगर मैं पब्लिश नहीं करूंगा तो कोई काम सेव नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात का। पब्लिश किया, अब मैं यहाँ जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए ऊपर मेरा साइट का आइकन चेंज हो गया। सेम ऐसे यहाँ जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ भी मेरी साइट का आइकन चेंज हो गया। क्लियर है, तो ये था आपका साइट आइकन, ये था आपका लोगो और ये था आपका टाइटल। जो आपको लगाना हो अपने अकॉर्डिंग आप उसमें लगा सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। आगे चलते हैं, अगला पार्ट है हेडर एरिया। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए हेडर टाइप में आपसे पूछ रहा है आपको हेडर टाइप में क्या चाहिए। आपको फुल स्क्रीन स्लाइडर चाहिए, स्लाइडर वो होता है जहां पर बार बार इमेज चेंज होती है। ठीक है, या आपको कोई सिंगल इमेज चाहिए, या आपको कोई वीडियो चाहिए, या आपको कोई हेडर नहीं चाहिए। अभी क्या बाय डिफॉल्ट क्या था, यहाँ पे नो हेडर था, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, वेबसाइट का फ्रंट मेरे को इस टाइप से दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ इमेजेस पे, तो यहाँ पे देखिए एक बाय डिफॉल्ट इमेज जो इसके अंदर प्रीबिल्ट है वो आ गई यहाँ पे, यानी कि इमेज पे क्लिक करते हैं तो मेरे यहाँ पे फ्रंट पेज पे इमेज यानी शो हो जाएंगी। ठीक है, और सेकेंडरी पेजेस हैं, ये है बाकी के पेजेस, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, इसको मैं एक बार पब्लिश करता हूँ और आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे आ गई इमेज। ओके, ठीक है, ये आपकी इमेज सब पे आ गई।
ओके, ये आपकी इमेज सब पेजों पे आ गई, देखिए ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे इमेज ना लेके फुल स्क्रीन स्लाइडर लेंगे, पब्लिश करेंगे, तो अभी यहाँ पे आपका कोई स्लाइडर नहीं आ रहा, क्योंकि स्लाइडर के अंदर हमें हमको इमेज ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी इसको हम रखते हैं इमेज पे, और तो फ्रंट पेज को छोड़ के बाकी पेजों पे आपको क्या करना है, हमको वहां पे भी इमेज अपनी ऐड करनी है, ठीक है। क्लिक कर देंगे और इसको कर देंगे पब्लिश, चेक करते हैं ये क्या है हमारा होम पेज, और ये कौन सा पेज है, अबाउट अस पेज। सब पेजों पे आपकी इमेज यहाँ पे आ गई। अब सेटिंग करते हैं इस इमेज की, क्लियर है, यहां से बाहर आते हैं। अगला पार्ट है हेडर स्लाइडर। देखिए हमने अभी कोई स्लाइडर नहीं लगाया था, तो इस पे हम इमेज नहीं डालेंगे अभी, इसको बाद में करेंगे। पहले हम लिखते हैं सिंगल इमेज को लेकर, हेडर मीडिया को बोलते हैं सिंगल इमेज, इस पर क्लिक करते हैं। और अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये इमेज दिखा रहा है, इसको हम कर देंगे एड न्यू इमेज, चेंज कर देंगे, और हम यहाँ पे लगाएंगे इस इमेज को लगा लेते हैं, और सेलेक्ट एंड क्रॉप। अगर आपको इमेज का कोई क्रॉप करना, तो आप इसको यहां से इस टाइप से करके क्रॉप कर सकते हैं। ये आ गई मेरी इमेज, इसको कर दूंगा मैं थोड़ा और कम कर लेते हैं इसको, इतना लगे ठीक है, और क्रॉप इमेज ये देखिए मेरी इमेज यहाँ पे चेंज हो गई, इस टाइप से आ गई, ठीक है। पब्लिश करते हैं, फ्रंट पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और ये आपकी इमेज यहाँ पे चेंज हो गई। अब देखिए इमेज यहाँ पे ठीक नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि इसके अंदर हमें थोड़ी सी नीचे जाके सेटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो यहाँ पे कवर है, कवर के ऊपर क्या है, ये बैकग्राउंड, ये ब्लैक कलर का जो आ रहा है इसको बोलते हैं कवर, इसको मिटा देंगे, इसको कर देंगे सॉरी डिस्प्ले द ओवरले कर देंगे, ये हट गया देखो। सेकेंडरी इसको पब्लिश करते हैं, और इसको हम करते हैं यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश, हट गया। बट अभी इमेज काफी छोटी दिखाई दे रही है, रीजन क्या है कि यहाँ पे हेडर की जो हाइट है इमेज की, ये इन्होंने दी है 300। एक्चुअल में इसके साइज होते हैं पिक्सल्स के, मैं आपको अभी अगली वीडियो हमारी आएगी इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, उसमें क्लियर करूंगा कि वेबसाइट के अंदर हेडर में की इमेज का साइज क्या होता है, और जो नीचे आपका सेक्शन होते हैं उसकी इमेज का साइज क्या होता है, वो आपको उस वीडियो में क्लियर करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैं इसको बाय डिफॉल्ट 600 कर देता हूँ, ठीक है, साइज चेंज कर देता हूँ, और इसको करता हूँ मैं पब्लिश, और यहां जाते हैं इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, क्या हुआ ये देखिए आगे इमेज पूरी, ऊपर ब्लैक कलर का जो कवर था वो भी हट गया, और ये आपकी इमेज पूरी आ गई। अब इश्यू क्या आ रहा है कि इसके अंदर ये जो आपका मेन्यू कलर है ये छुप गया है, ठीक है, इसको अभी हम सेट करते हैं। क्या आपका आ गया इमेज का हेडर वाला पार्ट। अगर आपको अब इसी के अंदर कोई भी स्लाइडर लगाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे जाके स्लाइडर की सेटिंग करनी पड़ेगी हेडर टाइप के अंदर। हमने पहले क्या लिया था इमेजेस, अब हम लेंगे स्लाइडर। स्लाइडर कहाँ पे लिया हमने, फ्रंट पेज पे, बाकी पेजों पे क्या है इमेजेस, ओके। पब्लिश करते हैं, बैक करते हैं, देखिए इस पर क्लिक करते हैं हमने, क्योंकि वहां से फ्रंट पेज से हमने स्लाइडर लगा दिया, इमेज लगा दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्लैंक। ये अबाउट वाला पेज है, होम वाले पेज पे जाते हैं, ये होम पेज देखिए, ये हमारा होम पेज ब्लैंक है। बट अगर हम चेक करते हैं हमारा अगला पेज, अदर पेज, अबाउट पेज, तो वहां पे मीडिया शो हो रहा है, इमेज शो हो रही है, क्योंकि हमने सेटिंग क्या करी है, फ्रंट पेज पे स्लाइडर और अदर पेजेस पे इमेजेस। अगर आपको वीडियो में कोई कंफ्यूजन है, आप जाके दोबारा थोड़ा रिपीट करके वीडियो देख लेना, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पे, फ्रंट पेज पे स्लाइडर, अदर पेजेस पे इमेज, पहले हमने क्या करा, दोनों पेजों में इमेज सेट की थी। चलते हैं अब चलते हैं हेडर स्लाइडर। हमने अभी काम किया था हेडर मीडिया के अंदर, ठीक है, अब हम काम करेंगे हेडर स्लाइडर के अंदर, अगर आपको स्लाइडर लगाना है तो। यहाँ जाते हैं, फर्स्ट स्लाइड में आपको क्या लगाना है, सेलेक्ट इमेज, पहली स्लाइड में लगाता हूँ मैं येली इमेज, और इसको चूज इमेज, ये आ गई पहली स्लाइड, ये देखिए यहाँ पे शुरू हो गया, क्योंकि हमारी जो इमेज थी ये थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड में गैप था, इसलिए आपको यहाँ पे इस टाइम शो हो रही है। तो मैं इसको करता हूँ चेंज इमेज करके, मैं इस इमेज को लगाता हूँ, बट इसके अंदर भी ऑप्शन वही आएगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे आपको इमेज को ना क्रॉप करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं सिंपल चूज करता हूँ टेम्परेरी फिलहाल अभी, बाकी काम जो हम देखेंगे
जब इमेज ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट करेंगे आपको वहां बताऊंगा कि दिक्कत क्यों आ रही है। दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि इमेज के चारों तरफ एक्स्ट्रा पार्ट हुआ हुआ है और उसको हमें क्रॉप करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रहा, इसलिए आपको इमेज यहाँ पे ऐसी शो हो रही है। जबकि इमेज वाले पार्ट में क्या था, मीडिया वाले पार्ट में उसने हमें क्रॉप करने का ऑप्शन दिया था इसमें। ठीक है, ये फर्स्ट इमेज। अब करते हैं सेकंड स्लाइड, यहाँ पे भी क्लिक करते हैं और अब लेते हैं इस इमेज को और चूज इमेज। सेकंड स्लाइड आई हमारी आ गई, यहाँ पे देखिए आ गई। दोबारा चेंज होकर देखना अभी आप, ये पहली स्लाइड और ये सेकंड स्लाइड। इसी तरह इसमें थर्ड स्लाइड का पार्ट है, क्लिक करेंगे और अब लेते हैं एनी इमेज और चूज इमेज। ये ऐड हो गई हमारी थर्ड इमेज। ठीक है, एक इमेज वाली हो गई, सेकंड की थर्ड है और ये फर्स्ट है, फर्स्ट सेकंड। ओके, दो इमेज आ रही यहाँ पे, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें हम सेकंड स्लाइड के बाद थर्ड स्लाइड, इसको हम कर देते हैं रिमूव। ठीक है, सेकंड रख लेते खाली इसके अंदर होगी क्योंकि सेकंड और थर्ड सेम थी। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके ऊपर जो दिखा रहा है ये दो पार्ट बटन आ रहा है और ये लिखा रहा है, देखिए इस टाइप से। इसको अगर आपको चेंज करना है या हटाना है, तो अगर आपको हटाना है तो आप इसको क्लिक करके हटा सकते हैं, इसको भी और इसको भी, यहाँ से आपका ये हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है और नीचे आ रहा है बटन, अभी बटन पे काम करेंगे। इसको पहले पब्लिश करते हैं और इसका फ्रंट पेज देखते हैं कैसा हमारा आ रहा है, होम पेज। ये आ गया होम पेज पे, देखिए ये आपकी पहली इमेज है, ये आपकी सेकंड इमेज है। ठीक है, और ये अभी नहीं हटा, हट जाएगा, इसको हटा देंगे अभी नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इस पर हल्का सा कुछ टाइप करते हैं और यहाँ से कुछ टाइप करते हैं और इसको पब्लिश करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए चेंज हो गया। अब इसको हम जाके यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको भी रिमूव कर देते हैं, उसको कर देते हैं पब्लिश, इसको रिफ्रेश करते हैं, और ये आपका स्लाइडर पे जो कंटेंट लिखा हुआ था आपका हट चुका है यहां से। ठीक है, ये अब भी आ रहा है, ओके ये इसलिए आ रहा है, ये आपकी सेकंड इमेज का आ रहा है। यहां पे हम क्या करेंगे, पहले कुछ टाइप करेंगे, एक बार पब्लिश करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, देखिए चेंज हो गया जो मैंने चेंज किया है। हटाने के लिए क्या करेंगे, अब दोबारा इसको डिलीट कर देंगे, थोड़ा सा थीम की सेटिंग में प्रॉब्लम है, अदरवाइज एक बार में हट जाना चाहिए। हमें क्या करना पड़ता है, इसको पहले टाइप करके फिर पब्लिश करके फिर दोबारा आके इसको हटाना पड़ता है, तो यहाँ से ये इसमें से हटता है। ये देखिए अब यहाँ से ये पहले इमेज से खत्म हो चुका और सेकंड इमेज से भी हट चुका है, ये इसका सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया क्लियर। इमेज अभी हमारी सेटिंग नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड यहाँ पे शो हो रहा है, अगर प्रॉपर इमेज लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा हमारा, क्योंकि क्रॉप करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगला पार्ट है हमारा, इसके अंदर नीचे आता है थोड़ा सा बटन का। अगर आपको बटन पे कोई लिंक लगाना है तो आप उसका यूआरएल का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए मैं ये वाला लिंक इसमें बटन पे लगाता हूँ, कंट्रोल सी करके कॉपी करते हैं इस लिंक को और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करते हैं और बटन के ऊपर जो कंटेंट आपको लिखना है, क्लिक टू बैगिन, अभी क्या अवेलेबल है यहाँ पे, क्लिक टू बैगिन। यहाँ पे अगर मैं टाइप करूंगा वॉच अदर साइट, ठीक है, कंटेंट चेंज होगा और कंटेंट चेंज हो चुका प्लस यहाँ पे हमने लिंक डाल दिया, तो अब जैसे कोई बटन पर क्लिक करेगा आपके उस वाले लिंक पे पहुंच जाएगा जहां का आपने उसको ऑप्शन दिया है। और इसको हम जाते हैं रिफ्रेश करते हैं, क्या हुआ, वॉच अदर साइट क्लिक करेंगे, क्या होगा, जो हमने जिस साइट का लिंक डाला है वो साइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी बटन के ऊपर लिंक डालना है, सब डालना, चेक करना, ये भी हम जब पेज बिल्ड करेंगे आपको सब कुछ वहां पे क्लियर हो जाएगा, कितना बहुत इजी है सब।
क्लियर है। तो हमने क्या करा इस वीडियो के अंदर, अभी तक हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने साइट का टाइटल टैगलाइन लोगो बनाना देखा, ठीक है, यहाँ से बाहर आते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या करा कि हेडर एरिया पे चेक करा कि हेडर टाइप क्या क्या होनी चाहिए, या तो हम इमेज ले लें, चाहे वीडियो ले लें, चाहे कोई हेडर ना ले। ऐसे ही सेकेंडरी पेज के लिए सेटिंग होती है, हमने सेकेंडरी पेज पे इमेज लिया और फर्स्ट पेज पे हमने होम पेज पे स्लाइडर लगा के देखा। हम क्या करेंगे अभी इसको फिलहाल इमेज ही कर देते हैं, ठीक है, और बैक आते हैं और फर्स्ट पेज पे स्लाइडर को हटा के हम हेडर मीडिया ऐड करते हैं। हेडर मीडिया में जाके एक वीडियो बाय डिफॉल्ट हमने अभी जो चेक की थी वो ये है, और उसको हम पब्लिश कर देते हैं और यहाँ आते हैं, इसको हम करते हैं रिफ्रेश। अब क्या हुआ, सारे पेजों पे हमारा ये वाला पार्ट आ गया, हेडर इमेज वाला, सब पेजों पे सेम आपका हेडर इमेज वाला पार्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये थोड़ी वीडियो लंबी है कंपेयर टू अदर वीडियो, आगे चलते हैं, इसको बैक करते हैं यहाँ से। और अब आपका है मेनू स्टाइल, मेनू का स्टाइल आपको क्या चाहिए, एक तो होता है स्टिकी, एक होता है स्टैटिक। अभी स्टिकी पे क्लिक है तो देखिए क्या क्या फर्क है इसका, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं मेनू साथ साथ चलता है, इसको बोलते हैं स्टिकी मेनू, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन क्या है आपका स्टैटिक, यानी कि फिक्स, स्टैटिक बोलते हैं फिक्स को, यानी कि अगर हम इसको रिफ्रेश करके अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मेनू हमारे साथ नहीं आएगा, देखो मेनू यहां से गायब हो चुका है, मेनू आपका ऊपर रह गया, पेज पूरा स्क्रोल हो गया, ठीक है। तो अभी इसको हम स्टिकी पे क्लिक कर देते हैं और पब्लिश कर देते हैं। सेकंड आपका है मेनू स्टाइल, अभी मेनू आपका इनलाइन के अंदर है, यानी कि मेनू आपका इनलाइन में साइड में एक को लाइन से आ रहा है आपका इस टाइप से, ठीक है। अगर हम इसको कर देंगे सेंटर्ड मेनू तो क्या होगा, मेनू आपका सेंटर में आ जाएगा, दिखाते हैं आपको, रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए मेनू आपका सेंटर में आ गया, टाइटल और टैगलाइन आपका ऊपर आ गया, ठीक है। इसका कलर हमें शो नहीं हो रहा अभी प्रॉपर, अभी इसके कलर की सेटिंग में करते हैं जाके, ये आपका मेनू टाइप से आ गया। तो अभी ये लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, सबसे बेस्ट आपका तरीका ये है कि मेनू को हम इनलाइन कर देंगे और पब्लिश कर देंगे, ये मेन्यू आपका इनलाइन हो गया, यानी कि प्रॉपर जैसे सेटिंग पहले थी वैसे की वैसे आपकी सेटिंग हो चुकी है, ठीक है, ये क्लियर है। आगे चलते हैं, हेडर एरिया वाला पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है, अगले पार्ट पे चलते हैं, ब्लॉग ऑप्शन। ब्लॉग में हम अभी इस पेज पे काम नहीं करेंगे, रीजन क्या है कि ब्लॉग वाला पार्ट आपका मैं एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है ब्लॉग वाले पार्ट के ऊपर, तो उसी में आपको सारा पार्ट में क्लियर करूंगा। सेम ऐसे ही फोन्स है, फोन्ट आपको बताया था कि फोन्ट आपको आपको कोई चेंज करना आप कर सकते हैं, बट मैं इसके ऊपर कोई सेटिंग नहीं करूंगा, अभी कोई चेंज नहीं करूंगा, बाय डिफॉल्ट जैसे है मैं उसको वैसे ही रखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पार्ट है आपका फोन्ट साइज, आपको अगर फोन्ट का साइज चेंज करना है, जैसे दिखाता हूँ ये साइट के टाइटल का जो साइज है अभी 32 शो हो रहा है, अगर मैं इसको कर दूंगा 40 तो ये बढ़ के 40 हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ओके। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन का साइज मैं थोड़ा बड़ा करके 32 कर दूंगा तो ये साइज मेरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बट जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो परफेक्ट है, तो मैं इसको अभी चेंजिंग कुछ नहीं करूंगा, आपको कभी बता रहा हूँ, अगर आपको फोन छोटा बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं। क्या हो गया इसमें 16, ठीक है। और मेन्यू का भी अगर आपको फोन छोटा बड़ा करना है, अभी 14 है, यहाँ पे देखते हैं अभी मेन्यू का फोन 14 है, अगर आपको थोड़ा सा आपको उसको बढ़ाना है, इसको 10 की जगह 16 था, और अगर आपको थोड़ा सा इसको बढ़ाना है तो मैं इसको 20 कर दूंगा और ये मेरा पब्लिश कर दूंगा, तो थोड़ा सा मेरा मेन्यू का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा यहाँ से, ओके, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। बट अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं इसको अभी 14 की जगह 16 करके इसको पब्लिश कर दूंगा। आगे चलते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये आपके हेडिंग के टाइटल के साइजेस होते हैं, ये हम आपको जब मैं कंटेंट वाला पार्ट करेंगे उसमें बताऊंगा, अभी आपको इस वीडियो में इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ना बॉडी का साइज चेंज करना है, ना कोई आपको पोस्ट का टाइटल चेंज करना है, ठीक है, क्लियर करते हैं। आगे चलते हैं, फोन वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया, आगे चलते हैं फुटर। फुटर में हमें काम नहीं करना है क्योंकि फुटर पे अभी क्या है आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई फुटर नहीं है, फुटर में अगर आपको लगाना हो तो आप फुटर के कॉलम चेंज 1, 2, 3, 4 कॉलम सेट कर सकते हैं, बट फुटर के लिए हम काम नहीं करेंगे, हम रेडीमेड थीम पे काम करेंगे, तो आपका अलग पॉइंट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं कलर्स के ऊपर, कलर्स में क्या होता है कि आपके 4 टाइप से कलर है, जनरल कलर, हेडर कलर, साइड बार और फुटर। जनरल कलर में क्या होता है आपका बैकग्राउंड कलर सबसे मेन है, और अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है आप उस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपको बैकग्राउंड कलर लेना है, देखिए आपका बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज हो चुका है, बट ये बड़ा ओड लग रहा है,
तो इसको हटा देते हैं, आप यहाँ से सब कुछ चेंजिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। बाकी प्राइमरी कलर है, बॉडी टेक्स्ट कलर है, और ये कलर बाय डिफॉल्ट सेट होते हैं, आपको इनको नहीं छेड़ना है। अगला पार्ट है हेडर कलर। देखिए हेडर कलर के अंदर आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेनू का बैकग्राउंड कलर आपको क्या रखना है। सपोज कीजिए मैं मेनू का बैकग्राउंड कलर रखता हूँ ब्लैक, क्लियर है। अब साइट के टाइटल का कलर क्या रखना है आपको, क्योंकि मैं इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो कभी कभी क्या होता है कि दिखाई नहीं देता कि क्या है। चेक करते हैं, रिफ्रेश करा, यहाँ गए, अभी देखिए क्या हुआ, आपके मेनू का बैकग्राउंड कलर आपको शो नहीं हो रहा। रीजन क्या है कि पीछे इसके थीम है, इमेजेस हैं, बट जैसे ही इसको थोड़ा हल्का सा नीचे करेंगे तो कलर आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो मेनू के कलर्स हैं और ये जो टाइटल कलर्स हैं इनको हमें थोड़ा डार्क करना होगा। तो हम क्या करेंगे, साइट के टाइटल का जो कलर है इसको हम रखेंगे ब्लू ले लेते हैं, और डिस्क्रिप्शन का कलर भी हम ले लेते हैं ब्लू, ठीक है। जो बैकग्राउंड कलर है इसको हम ले लेते हैं व्हाइट, ठीक है। क्योंकि जब अब क्या होगा, अब इसको हम अगर जाते हैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा देखो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, स्क्रॉल करेंगे तो पीछे बैकग्राउंड व्हाइट है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये साथ में चल रहा है इसके, ठीक है। और अब चलते हैं आपके टॉप लेवल मेनू आइटम के ऊपर, मेनू का कलर भी आपका क्या है व्हाइट, तो उसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम ले लेंगे थोड़ा सा ब्लू कलर, थोड़ा डार्क कर लेंगे इसको हम, और पब्लिश, ये आ गया आपका मेनू क्लियर, दिख गया, ठीक है। अब देखो मेनू के ऊपर ना एक जैसे हम कर्सर लेके जाते हैं तो ये इसका कलर देखो येलो हो गया, इसको बोलते हैं मेनू होवर कलर। उसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो मेनू का होवर कलर है येलो है, अगर आपको इसको रेड करना है या ग्रीन करना है इसको क्लिक करके इसको हम कर देंगे पब्लिश, रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं, ये देखिए ये रेड हो गया, ठीक है। अगला है हमारा सब मेनू आइटम, सब मेनू आइटम का कलर क्या है व्हाइट, कैसे है ये जो कलर है व्हाइट है, और बैकग्राउंड कलर क्या है इसका ब्लैक है, ये ओवर कलर है रेड, ये सब पे लग गया आपका, ये ओवर कलर रेड हो गया, ये कलर व्हाइट है, और ये बैकग्राउंड कलर आपका ब्लैक है। इसको अगर आपको चेंजिंग करनी है तो सब मेनू आइटम का कलर आपको अगर ब्लू करना है आप ब्लू कर सकते हैं, सब मेनू बैकग्राउंड कलर आपको ब्लू की जगह पे हम लेके चलते हैं व्हाइट, तो व्हाइट कर लेते हैं, और सब मेनू, ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो गया और ये कलर ब्लू हो गया, पब्लिश करते हैं, और इसको हम एक बार चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और कोर्स पे जाते हैं, देखिए ब्लू, और ये ओवर कलर है रेड ब्लू और व्हाइट का कॉम्बिनेशन आपका बन चुका, ये आपका कलर चेंज हो गया, ठीक है। आगे आपका मोबाइल मेनू बटन, मोबाइल के अंदर मेनू का बटन क्या होना चाहिए, अभी अगर इसको हम देखते हैं तो अभी जो मोड है हमारा डेस्कटॉप मोड है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि अभी जैसे हम इसको सेटिंग में क्लिक कराया तो मोबाइल मेनू इसका यहाँ बन चुका मोबाइल मेन्यू, और वो व्हाइट है हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। क्लिक करके इसको हम करते हैं ब्लैक या रेड, रेड करते हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ शो हो जाएगा आपको भी आ गया, ये मोबाइल मेन्यू होता है। जब मोबाइल में आपकी वेबसाइट ओपन होती है तो उसका उसका डीएन कुछ इस टाइप से आता है, और डेस्कटॉप में आपका डीएन इस टाइप से आता है, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो ये आपका मोबाइल मेन्यू का कलर मैंने रेड कर दिया, जिससे कि क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड पे ये शो नहीं हो रहा था क्योंकि वो भी व्हाइट ही था, ठीक है। आपका पार्ट है, इसको हम अगर पब्लिश कर देते हैं, हेडर स्लाइडर टेक्स्ट, जो हेडर पे हमने स्लाइडर लगाया था उसके ऊपर जो टेक्स्ट था उसका कलर का पार्ट था ये, जबकि हम लोग हटा चुके हैं। अगर आप उसको रखना चाहेंगे और उसका आपको कलर चेंज करना है, जैसे पहले व्हाइट था, आप इसमें आगे कलर्स में आगे हेडर स्लाइडर टेक्स्ट को आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको बैक करते हैं, आता है साइड बार। अब देखो साइड बार क्या होता है, ये वाला पार्ट, साइड बार का बैकग्राउंड कलर क्या आपका अभी व्हाइट है, अगर मैं इसको कर दूंगा ब्लैक या रेड तो ये रेड हो जाएगा, बट मैं इसको बाय डिफॉल्ट व्हाइट ही रखूंगा, और साइड बार कलर ब्लू करते हैं, ये देखिए सब ब्लू हो गया, ये ठीक है ब्लू ठीक ले रहा है, इसको थोड़ा ब्लू कर देते हैं और इसको कर देते हैं पब्लिश, ठीक है। तो साइड बार का बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, साइड बार के फॉन्ट का कलर का भी आप इसमें आगे चेंज कर सकते हैं। इसको आगे चलते हैं, इसमें अगला है फुटर। अब देखिए फुटर में क्या है, हमने विजिट लगाया नहीं है तो इसमें कलर आपको शो नहीं होने की है, फुटर विजिट कलर, विजिट एरिया,
फुटर बैकग्राउंड, फुटर कलर। अब देखो थोड़ा सा इसमें हम दोनों में काम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, जैसे कि नीचे आप थोड़ा आते हैं तो यहाँ पे देखिए ये फुटर का बैकग्राउंड कलर है, इसको मैं ब्लैक की जगह पर मैं इसको अगर व्हाइट करता हूँ तो ये आपका व्हाइट हो गया, ठीक है। और इसी तरह फुटर का जो कलर है, जो ये फोन कलर आप देख रहे हैं, ये अभी क्या है हल्का सा ग्रेइश है, अगर मैं इसको भी व्हाइट कर दूंगा तो ये भी व्हाइट हो जाएगा और ये पूरा इसके अंदर छुप जाएगा। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं और इसके कलर को भी आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ फिलहाल दोनों को व्हाइट ही कर देता हूँ क्योंकि थीम का नाम आ रहा है, इसको मैं छुपा देते हैं। इस थीम के अंदर थोड़ा ऑप्शंस कम है, जब हम एक प्रॉपर थीम पे काम करेंगे आगे जाके तो उसमें आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से करने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। बट अभी अब इसको हम केवल सीखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ओनली फॉर लर्निंग। हटा देते हैं इसको, बैक करते हैं और इसको बैक करते हैं कलर्स को। हमारा कलर्स वाला पार्ट भी हो गया, ये हमारी थोड़ी सी सेटिंग देखेंगे तो इसकी वेबसाइट की देखते हैं किस टाइप शो हो रही है। अब ये देखिए आपको थोड़े प्रॉपर वेबसाइट बन गया, ये आपका मेन्यू बन के आ गया और आपका थीम आ गया ऊपर की, और ये साइड बार आपको अभी हटाना दिखाएंगे कैसे हटाते हैं इसको। और ये आपका पेज आ गया, पेज ब्लैंक आ रहा है क्योंकि हमने अभी पेज पे कोई काम नहीं करा, कोई इसके अंदर हमने कस्टमाइजेशन नहीं करा, तो अभी वो भी करेंगे आगे जाके। अब चलते हैं हम दोबारा थोड़ा सा अपने कस्टमाइजेशन के ऊपर, यहाँ पे आता है बैकग्राउंड इमेज, चेक करते हैं। अभी बैकग्राउंड के अंदर कोई इमेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट इमेज, और सपोज कीजिए हम यही इमेज इसके बैकग्राउंड लगा के देखते हैं क्या लुक आता है। ये देखिए वो इमेज आपने लगाई बैकग्राउंड में, तो वो आपकी इमेज थोड़ी सी स्टेप से शो हो रही है। हम क्या करते हैं कुछ और इमेज लगाते हैं, अपलोड फाइल्स में जाते हैं, सेलेक्ट इमेज और डाउनलोड्स में कुछ मेरे पास कुछ बैकग्राउंड पड़े हुए हैं ये वाले, ठीक है। मैं काम करता हूँ फिलहाल कोई भी एक बैकग्राउंड को क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, ये आ गया बैकग्राउंड। काफी हैवी इमेजेस है तो टाइम लगा रही लेने के आने के लिए, ये देखिए इसने इमेज लगाने मना कर दिया क्योंकि सर्वर बिजी है और थोड़ी छोटी इमेज के लिए कैमरा लगाने के लिए कोई इशू नहीं है। हम क्या करते हैं अपलोड फाइल में दोबारा जाते हैं, सेलेक्ट फाइल, और थोड़ी कोई छोटी इमेज ढूंढते हैं इसके अंदर लगाने के लिए। चक्कर क्या है सब इमेजेस बहुत हैवी इमेजेस हैं, देखिए 2 MB की इमेजेस हैं, ठीक है। तो इसको लगा के देखते हैं एक बार, ओपन, और ये आपकी अपलोड हो गई, आ गई। तो करते हैं चूज इमेज और ये देखिए आपका बैकग्राउंड यहाँ पे इस टाइप से थोड़ा सा चेंज हो गया, ओके। तो आपको अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बैकग्राउंड आपका पूरा चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड के ऊपर जो भी आप टेक्स्ट जो भी बनाएंगे, जो भी आप इसके बैकग्राउंड के ऊपर अपने पेज का डिजाइन करेंगे, सेक्शन एड करेंगे, वो उसके बैकग्राउंड में आपके बैकग्राउंड आता रहेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ इसको, अच्छा कुछ सेटिंग इसमें और देख लेते हैं, जैसे इसको करते हैं तो कुछ इसके जो एंगल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं देखो इमेजेस के, तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से फिलहाल अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मेरे को उसको लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि खामखा में अगर बैकग्राउंड डालते हैं तो आपके साइट की फ्रंट पेज को या किसी भी पेज को वो हैवी करता है, जिससे कि साइट को अपलोड करने में बड़ी दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा बाउंसिंग रेट बढ़ जाता है, कस्टमर आपकी साइट को छोड़ के चला जाता है। तो इससे बेटर है कि आप कोई भी इमेजेस कम से कम यूज करें और बैकग्राउंड तो आप यूज ही ना करें, बाकी आपकी अपनी अपनी सोच है। आगे चलते हैं, इमेज ये आपका पार्ट हो गया, मेन्यू हमने देखो बनाना सीखा था वेबसाइट के अंदर, तो इसके अंदर हम इसको नहीं छेड़ेंगे। विजेट्स भी आपको बताए थे कहाँ सेट होते हैं, इसके अंदर विजेट भी हम चेक नहीं करेंगे। होम पेज सेटिंग हमने करी थी तो वहीं से करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। और थीम इन्फो, ये थीम के बारे में हमारे मतलब वो नहीं है, इसको हटा देते हैं। और CSS अगर आपको आता है कोडिंग वाला पार्ट तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है। आपके इसी को जितने भी ऊपर के एरिया है वाले बैकग्राउंड कलर फुटर फॉन्ट और आपका ब्लॉग ऑप्शन भी हम बाद में करेंगे, हेड एरिया, ये आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको मैंने करके दिखाए हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इन सब पे प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि ये चीजें आपको अगर आप खुद से करते हैं तो आपको नहीं आएंगी क्योंकि बहुत काम है, बहुत मेहनत है इसके ऊपर, ये चीजें चेंज करना, ये लगाना और इसके कलर सेट करना,
इमेज का साइज सेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अभी देखिए इसके अंदर हमारा कुछ पार्ट हो रह गया है कि ये जो आप देख रहे हैं साइड बार, ये कैसे हटता है, तो इसके लिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगा साइड बार को कैसे हटाया जाता है। और इसके अलावा एक आपका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम कस्टमाइजेशन, इमेज कस्टमाइजेशन, यानी कि इमेज को कैसे कस्टम करना है। क्योंकि जब कोई वेबसाइट बनाते हैं, जैसे ये वेबसाइट मैं वो दिखाता हूँ, तो अब ये क्या है कि यहाँ पे आपको जो ऊपर हेडर इमेजेस का साइज क्या होता है आपको वैसे पता लगेगा, बीच की जो इमेजेस हैं ये देख रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे लगा रखी है मैंने देखो अपनी वेबसाइट में इमेज का कम इस्तेमाल किया है, इसका क्या साइज होना चाहिए, ठीक है, इसका बैकग्राउंड इमेज क्या साइज होना चाहिए। तो ये सारा पार्ट आपका था थीम कस्टमाइजेशन के अंदर। तो अगली वीडियो में बात करेंगे पहले पेज के बारे में कि ये जो आपका पेज है इसको साइड बार कैसे हटाना है, ये बताएंगे। उस अगली वीडियो में आपको बताएंगे हम थीम को कैसे कस्टमाइज किया जाता है, इमेज को कैसे कस्टमाइज किया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आप इस पर काफी प्रैक्टिस कीजिए, इसको अच्छे से समझिए, इस वीडियो को दो तीन बार देख देख के एक चीज को समझ के करके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये पार्ट वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच।